हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित में स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, जो भी आरपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञापन केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सभी स्थानों को पहचानने जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 10.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न की उपलब्धता के लिए स्थापित किया है। नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न की उपलब्धता के लिए स्थापित किया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, शिशुओं के लिए माँ के दूध हेतु, शिशुओं के लिए माँ के दूध हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य कौन सा है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार राजस्थान राज्य में किसे प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, करण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 1952 से 1957 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त किया गया है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त किया है। 7 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, 5 कोशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। 8 का राइट। ऑप्शन नंबर 3, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानाथ छज्जू और शेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है, रामानाथ छज्जू और शेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है। 9 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था, 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस किस राज्य में मनाया गया था। 10 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। 11 का राइट। ऑप्शन नंबर 3, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी और ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी और ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 12 का राइट ऑप्शन नंबर 4, 1934 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज गुजर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को युची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? 13 का राइट ऑप्शन नंबर 3, कनिधन ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 15 का राइट ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामणी क्या था? मारवाड़ में दामणी क्या था? 17 का राइट ऑप्शन नंबर 1, ओढ़नी का एक प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, घोड़ व श्री माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले में सीमित है? 19 का राइट ऑप्शन नंबर 2, नेवासी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनादास छोटेलाल बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? जमनादास छोटेलाल बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अलवर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था? 21 का राइट ऑप्शन नंबर 3, बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पार्वतीसर में तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी
कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? चॉइस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 केसरी सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है 25 का राइट ऑप्शन नंबर 1 ग्राम देवता के रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं राजस्थान के? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बालरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। कौन से कोयले की राजस्थान राज्य में किस्म पाई जाती है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तलवाड़ा। तलवाड़ा लोहे ऐसा खनन क्षेत्र नहीं है। थैंक यू दोस्तों।